हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रशिया का वीज़ा कैसे लेते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। या इंडियन सिटीज़न रशिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं और पाकिस्तान के जो सिटीज़न है उनके लिए आज के टाइम पे रशिया वीज़ा का क्या स्टेटस है, स्पेशली फॉर टूरिज़म पर्पज़, तो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इसमें दूँगा। रशिया वीज़ा की एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, कौन सी वेबसाइट है, और अगर आप बाई पोस्ट रशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बिना रशिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को विज़िट किए हुए, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी कितनी एक्स्ट्रा फीस है, कितने दिन लगते हैं रशिया वीज़ा आने में, जो रशिया का अगर जो एक इनविटेशन है वो कैसे लिया जाता है, तो ये सारी की सारी जो जानकारी आपको कंप्लीट जानकारी इसमें मिलेगी। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि रशिया जाने के लिए कोविड टेस्ट आप कैसे करवा सकते हैं, कितना समय पहले कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर रशिया से आप वापस आते हैं तो उस समय कोविड टेस्ट की, रशिया से वापसी की समय क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कितनी फीस लगती है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने रशिया का वीज़ा अप्लाई करना है, और मैं बात कर रहा हूँ रशिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप इसमें आता है वो है इनविटेशन आपको चाहिए रशिया की से, आपको एक इनविटेशन चाहिए जो कि आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स हैं वो मिल जाएंगी, इनविटेशन लेटर चाहिए। तो जब आप इसकी जो क्या फ़ीस है, लगभग अराउंड $20 फीस पड़ती है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर देखें तो 1500 रुपये के आसपास आती है। कितना समय लगता है ये, अगर आप रशिया का जो इनविटेशन लेते हैं तो ये हार्डली 1-1.5 घंटे में आपको मिल जाता है। इवन संडे को भी उनकी सर्विसेज हैं, आप फीस पे करेंगे, पहले सबसे पहले आपको उनका एक वहाँ पर जाके वेबसाइट पे जाके डिटेल भरनी है, जिसमें पासपोर्ट नंबर, किस दिन तक का आपको वीज़ा चाहिए, क्योंकि जो रशिया का जो वीज़ा है वो आपको स्पेसिफ़िक डेट्स का मिलता है, वो ओपन नहीं होता है, इसलिए आपको पहले प्लानिंग कर लेनी है कि आपको किस दिन से लेकर किस दिन तक रशिया में जाना है। तो वो डेट्स इनविटेशन लेटर पे लिखी होती है, और वही डेट आपको बाद में जो है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी डालनी होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी डेट डिसाइड करें, और डेट डिसाइड करने के लिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप फ्लाइट्स की प्राइस चेक करें। जो फ्लाइट्स की जो एयर टिकट की जो प्राइस है, एयर टिकट, वो बड़ी फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप देखिए कि आपको किस दिन की जो फ़्लाइट टिकट है वो चीप पड़ रही है, और इनविटेशन लेटर मंगवाइए। इनविटेशन लेटर के लिए आपका जो डेट्स, आपका पास, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, और आप वहाँ पर रशिया में कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको फिल करनी है। तो उस सारी की सारी जानकारी फिर जब आपको इन्विटेशन मिलेगा तो उस इन्विटेशन लेटर के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारी लगाना है। तो इसलिए ध्यान से उसमें जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, आपका जो नाम है वो एज़ अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर सही फिल होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर कहीं भी उसमें मिस्टेक होती है तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है, रिफ्यूज़ हो सकता है। जो दूसरा है आपका, दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं रशिया वीज़ा के लिए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, साथ ही साथ आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है जिसमें डिटेल्स लिखी होती है, आपका नाम वगैरह लिखा होता है, और जो लास्ट पेज है जहाँ पर आपका एड्रेस होता है, उसकी जीरोक्स कॉपी भी आपको साथ में भेजनी पड़ती है, जहाँ लगानी पड़ती है। ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी साथ में फोटोस्टेट कॉपी, ये सेकंड डॉक्यूमेंट है। फिर आपको जो है जो रशिया वीज़ा के लिए अपने को जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिल करना है, और वो ऑनलाइन फिल करने की एक वेबसाइट है, वो आप मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और साथ में ये स्क्रीन पे भी आ रही होगी, जो वेबसाइट का नाम है visa.kdmid.ru। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, जो इनविटेशन लेटर में इंफॉर्मेशन है उसमें इनविटेशन लेटर का जो नंबर होता है वो भी लगता है, और उसको फिल करने के बाद आप उसका प्रिंटआउट लेंगे, प्रिंटआउट लेकर उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे। तो जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका ऑनलाइन जो फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म साइंड, उसके ऊपर एक कलर्ड फोटोग्राफ लगेगी, जो फोटोग्राफ है उसका साइज़ है 3.5 x 4.5,
वाइट बैकग्राउंड में या फ़ोटो होने चाहिए, और जिसमें कि 75% टू 80% आपका जो फेस होना चाहिए उस फोटो में। बाकी बहुत से जो वीज़ा फॉर्म होते हैं उसमें जो फ़ोटो का लगभग सेम ही साइज़ होता है, सेम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और साथ ही साथ जब आपका ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर साथ ही इसकी जो पेमेंट है, पेमेंट अगर तो आप बाई पोस्ट रशिया वीज़ा चाहते हैं तो फिर आपको पेमेंट जो है वो पहले ही करनी है। मतलब आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है कौन सी सेंटर पे, कौन सी सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और मुंबई में है, चार जो है रशिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। तो जिस सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सिटी की आपके पास जो है वो आप वेबसाइट पे जाकर रशिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाकर ईमेल आईडी मिलेगी। तो इस ईमेल आईडी पे आप ये जो डिटेल सेंड करेंगे तो आपको फिर वो अकाउंट नंबर भेजेंगे, और उस अकाउंट नंबर में जो फीस है, वीज़ा फ़ी है, वो आपने डिपॉजिट करवानी है, और उसका जो आपको स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट लेके रख लेना है, वो आपको साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के अटैच करना है। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, और अगर आप रशिया वीज़ा सेंटर पे विज़िट करके करेंगे तो फिर आपको उसकी वहाँ पर आप कैश पेमेंट कर सकते हैं सेंटर पे जाकर, फिर आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पेमेंट कंफर्मेशन रिसीट है वो भी आपको एप्लीकेशन के साथ जब आप बाई पोस्ट भेजते हैं तो वो आपको भेजनी पड़ेगी। और एक बात मैं ये और बता दूं कि अगर आपको डबल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो फिर उस केस में एयर टिकट जो है वो भी मैंडेटरी है, और अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए अप टू 30 डेज़ फिर आपको एयर टिकट कोई मैंडेटरी नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है उसकी लगाने की। और अभी बात करता हूँ मैं वीज़ा फ़ी, तो रशिया के लिए क्या वीज़ा फ़ीस है। अगर आप रशिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर जाकर फ़ीस जमा करवाते हैं, वहाँ अपना फॉर्म जमा करवाते हैं, तो फ़ीस रहेगी इसकी 8,360 रुपीज़। और अगर आप घर बैठे बाई पोस्ट अपना वीज़ा मंगवा सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था, मैंने तो विज़िट नहीं किया था, मैंने घर बैठे ही अपना जो वीज़ा है रशिया का मंगवाया था, और उस केस में इसमें 2,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं बाई पोस्ट वीज़ा मंगवाने के लिए, तो जिससे इसकी जो फ़ीस बन जाती है वो बन जाती है 10,860 रुपीज़ बाई पोस्ट, और रशिया वीज़ा सेंटर पे आपको पे करने पड़ते हैं 8,360। तो 2,500 रुपीज़ का डिफरेंस है, टाइम बच जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती, घर बैठे आपका जो है पासपोर्ट घर से आपने कुरियर करवा देना है उस एड्रेस पे जो कि आपको मेल के थ्रू एड्रेस मिल जाता है, और आपका 5-6 डेज़ का इसका प्रोसेस होता है रशिया का, और फिर आपको 2-3 दिन और लगते हैं बाई कुरियर वो भेज देते हैं। तो ये तो रही जो जानकारी है उसकी रशिया वीज़ा फ़ी की। आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कोलकाता से अप्लाई किया था, तो मैंने जो मेल भेजी थी वो भेजी थी rvac@russiavisacenter.com, तो उस पर मैंने जानकारी भेजी थी, वहाँ से उन्होंने मुझे कंप्लीट जानकारी दे दी थी कि किस अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और किस एड्रेस पे आपको जो है ओरिजिनल पासपोर्ट और ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और इनविटेशन और जो बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो वहाँ पर भेजने हैं। तो मैंने हम तीन लोग थे, तीनों का पासपोर्ट एक ही जो है एनवेल्ट में डालकर भेज दिया था, और उन्होंने भी मुझे जब रिटर्न किया था तो एक ही दूसरा एनवेल्ट में आया था। अब कई लोग मैंने देखा कि वो जानकारी चाह रहे थे कि क्या हम कोरियर करवाएं या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, हाँ तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। मैंने जो किया था वो मैंने तो स्पीड पोस्ट से भेजा था, और स्पीड पोस्ट में थोड़ा सा डिलीवरी में प्रॉब्लम आई थी कि वो 5 डेज़ बाद मेरा जो पासपोर्ट डिलीवर हुआ था, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप लोग भी दे सकते हैं, अगर कोरियर करवाना है तो कोरियर करिए, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, आपको जो वापस आपका पासपोर्ट मिलेगा वो कोरियर के थ्रू ही मिलेगा। तो ये रही जानकारी। अब एक और मेरे जो फ्रेंड थे वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो किस प्रकार से रशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि एज ऑन डेट पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए रशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ओपन नहीं हुआ है। इसकी जगह पर एक और वीज़ा है जिसको कि प्राइवेट वीज़ा बोलते हैं, दैट इज़ ओपन। लेकिन अगर आपको प्राइवेट वीज़ा लेना है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको रशिया का कोई जो सिटीज़न है वहाँ से आपको एक इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ेगा।
अगर आपके पास कोई रशिया का कोई फ्रेंड है, कोई सिटीजन है, कोई जानकार है, वो आपको इनविटेशन लेटर भेजता है, तो उस केस में आप प्राइवेट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम ही है और आपको जो है वीज़ा आपको रशिया वीज़ा सेंटर पे जाकर अप्लाई करें या बाय पोस्ट मंगवाएं, आपको वीज़ा जो मिल जाएगा। लेकिन एज ऑन डेट कोविड के कारण अभी तक पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए रशिया का टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं हुआ है। तो होप करता हूँ कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और किस्म की रिक्वायरमेंट हैं, तो वीज़ा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें एक और फिर दोबारा से मैं जानकारी दूंगा कि होटल बुकिंग और एयर टिकट आपको अगर 30 डेज़ का वीज़ा लेना है, मोर देन 15 डेज़ का, तो ही चाहिए, नहीं तो आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात मैं करूँगा कोरोना की, कि जब आपको यहाँ से जाना है तो 72 आवर्स के विदिन आपको RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है, वो आपको चाहिए, उसका आपके पास प्रिंट आउट भी होना चाहिए। दिल्ली के एयरपोर्ट पे ये होता है, जिसमें कि 800 रुपीस लगते हैं और विदिन 3 आवर्स 4 आवर्स आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो मैंने 6 o'clock जाकर, रात को 1 बजे फ्लाइट थी, 6 बजे जो मैंने सैंपल दिया था, मुझे 9 बजे तक रिपोर्ट मिल गई थी। और वापसी आते समय कहते हैं कि ये आपके पास कोरोना की रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन मैंने तो नहीं करवाई थी सचमुच, और मुझसे उन्होंने पूछी भी नहीं, और मेरे साथ और 2-3 लोग थे, उनसे भी किसी से कोरोना की रिपोर्ट चेक नहीं की। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको, आप एयरपोर्ट पे आइए, अगर कोई आपको कहते हैं डेट, हो सकता है उस दिन जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वो कहें तो सामने ही यहाँ पर जो एरोफ्लोट का जो चेक इन काउंटर है, यहाँ से बोर्डिंग पास मिलता है, सामने उसके जो है कोरोना की है, और विद इन 1 आवर दे देते हैं, वहाँ पर जो आपको 2700 रूबल्स लगेंगी। तो अगर आपको कोरोना इमिडिएटली भी करवाना पड़ता है तो वहाँ करवा सकते हैं, और अगर ना पूछे तो कोई ज़रूरत नहीं है। वापसी आते समय मैंने दिल्ली आना था और एरोफ्लोट की फ़्लाइट से मैं आया था, तो मुझसे किसी ने मेरी एयर टिकट भी मांगी, सिर्फ पासपोर्ट मांगा और पासपोर्ट चेक किया और मुझे वापस भेज दिया। और आते समय भी यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट में किसी ने मुझसे कोई भी कोरोना की रिपोर्ट नहीं मांगी। तो ये मैंने ट्रैवल किया था अगस्त के मंथ में, तो तब तक ये डिटेल थी। कोरोना के समय पर बहुत सी जो चीज़ें हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, इसलिए जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो उससे पहले जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।